हेलो जी, कैसे हो आप? आई हो सब अच्छे अच्छे होने चाहिए। मैं सौरभ दायमा आज आपके लिए लेके आया हूँ 300 स्क्वायर यार्ड का बहुत बेहतरीन बिल्डअप फ्लोर। आपको ना मैं सीधा बिल्डअप फ्लोर पे लेके जाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको अगर पीछे दिख रहा होगा ना, ये जो रोड चल रहा है हमारा रोड है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो इस रोड पे प्रॉपर्टी है, आपको डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी पे लेके चलता हूँ। बहुत बेस्ट फील है, बहुत बेस्ट बिल्डअप फ्लोर है। डायरेक्ट चलते हैं हम बिल्डअप फ्लोर पे और देखते हैं क्या चीज आपको मिलने वाली। अभी काम थोड़ा चल रहा है फिनिशिंग का, तो टचअप अभी रह रहा है। बहुत प्यारे अपने वो डोर मिलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के। और मैं बात करूं बिल्डअप फ्लोर्स की, पहले ना मैं फ्लोर आपको दिखा देता हूं क्या चीज़ अपने को मिलने वाली है, क्या फील अपने को मिलने वाली है। प्रॉपर हर एक बेडरूम के अंदर अपने को इटालियन मार्बल मिलने वाला है। सिर्फ एक बेडरूम है जो मास्टर बेडरूम है, इसमें अपने को मिलने वाली है वुडन फ्लोरिंग। तो क्वालिटी तो अपने पास A1 है ही। और चीज़ जो मिलने वाली है ना आपको, आप घर के अंदर फील देखो, आप घर के अंदर लुक देखो, कितनी प्यारी फील के अंदर अपने को बिल्डअप फ्लोर मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँ अपने को प्रॉपर इटालियन मार्बल मिलने वाला है, किचन के अंदर भी, ड्राइंग डाइनिंग के अंदर भी, रूम्स के अंदर भी। तो बहुत प्यारी चीज़ है। आपको सबसे पहले लेआउट बताता हूँ इसका। यह कि इसका किचन, इसका बेडरूम नंबर 1, ये एक कॉमन वॉशरूम है जो अपने बेडरूम नंबर 2 के साथ कनेक्ट है, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4, 300 स्क्वायर यार्ड में बहुत प्यारी चीज़ आई हुई है। बिल्डर्स अपने को जो लगा के दे रहे हैं लाइट्स, फैन वगैरह सारी चीज़ फुल्ली ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल फैन देते हैं, एसी अपने को लगा के दे रहे हैं ड्राइंग डाइनिंग सब के अंदर, रूम्स के अंदर भी अपने को एसी प्रॉपर इंस्टॉल करके दे रहे हैं बिल्डर। और मंदिर का स्पेस आप देखो, कितना प्यारा मंदिर का स्पेस बनाया हुआ है, बहुत प्यारा साइज और बहुत बेहतरीन बिल्डअप फ्लोर है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसके ड्राइंग डाइनिंग के अंदर। ड्राइंग का आप साइज देखो, कितना बड़ा हमें साइज मिलने वाला है, 300 स्क्वायर यार्ड का साइज है। एंड फील आप देखो, लुक आप देखो, क्वालिटी आप देखो, ऐसी क्वालिटी के अंदर ये बिल्डअप फ्लोर है ना। एंड आपको लोकेशन आप देख पा रहे हो, आपको अगर गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है ना, आपको मैं बता देता हूँ सामने हमारे गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड है। तो कनेक्टिविटी इतनी बेस्ट मिलने वाली है अपने को, बहुत बेस्ट कनेक्टिविटी के अंदर बहुत बेस्ट बिल्डअप फ्लोर मिलने वाला है। और ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती जी। ये स्पेस आप देखो, ड्राइंग डाइनिंग का हमें बहुत बड़ा स्पेस मिलने वाला है। एंड जो हम बात करें ऊपर सैंडल्स या फिर वुडन का जो टेक्सचर के साथ जो फिनिशिंग दिया ना बिल्डर ने, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितनी प्यारी क्वालिटी के अंदर कितना प्यारा चीज़ है। सीलिंग का काम आप देख लो, मतलब कि एक होते हैं फ्लोर में कोई कमी ही नहीं है, A1 क्वालिटी के अंदर A1 काम किया हुआ है। मंदिर का स्पेस देखो आप, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है बिल्डर ने, यहाँ पे आपके यूज़ के हिसाब से जो भी सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ है। एंड बहुत प्यारा साइज निकला हुआ है। ये आगे हम इसके किचन की तरफ, किचन का आप साइज़ देखो, प्रॉपर अपने को मिलने वाले ये सारे कैबिन वगैरह सारी चीज़ें कैफ के अपने को मिलते हैं, चिमनी, होम, माइक्रो, OTG। एंड किचन का आप साइज़ देखो, बहुत प्यारा साइज़ है, ग्रे टॉप के साथ अपने को ग्रे लुक के अंदर मिलता है ये किचन। किचन की भी मैं बात करूँ, हैटेक के अपने मिलने वाली फिटिंग, सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ अपने को किचन मिलने वाला है। एंड चिमनी, होम, माइक्रो, OTG सारी चीज़ अपने को मिलने वाली है। गिलास का बहुत प्यारा काम है, कॉलर के अपने को मिलने वाले टैप्स। एंड क्वालिटी का काम तो आपको मैंने बता ही दिया, क्या प्यारा क्वालिटी का काम बिल्डर दे रहा है, गीजर वगैरह सभी अपने को देते हैं। एंड ये हम इसके बाहर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको बताया AC वगैरह सब बिल्डर लगा के दे रहा है, डेक्कन के अपने को मिलने वाले AC। एंड ये फ्रंट बालकनी में हम इसके हैं, फ्रंट बालकनी का व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है। एंड कनेक्टिविटी का तो कहना ही क्या, सामने रोड आपको चलता हुआ दिख ही रहा है, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा जी कहाँ पर हम खड़े हुए हैं। सेक्टर 56 बिल्कुल ऑन रोड है हम, और ऐसी लोकेशन के अंदर ये बिल्डअप फ्लोर आपके लिए लेके आया हूँ, इतनी प्यारी क्वालिटी के अंदर ये बिल्डअप फ्लोर लेके आया हूँ, बार बार नहीं आती ऐसी चीज़ें। मैंने आपको उसका किचन दिखाया, किचन का आप स्पेस देखो कितना बड़ा हमें स्पेस मिलने वाला है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको बेडरूम्स के अंदर। बेडरूम में ले जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जैसी लोकेशन पे बिल्डअप फ्लोर है और जैसी चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। उससे पहले ना आपको लाइक जरूर कर देनी वीडियो, आपका हर एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए ऐसे बिल्डअप फ्लोर लेके आता रहा हूँ। तो हम चलते हैं डायरेक्ट बेडरूम नंबर 1 के अंदर। यह अपना बेडरूम नंबर 1, बेडरूम के आप साइज देखो, बेडरूम के आप वॉल पे काम देखो। मैंने जैसे कि आपको बोला कि यहाँ पे अपने वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है, भी फ्लोरिंग बिल्डर ने की हुई नहीं है, बेस तैयार किया हुआ है। बट यहाँ पे प्रॉपर आप देखो, हाइट देखो इस जो अपने को मिलने वाली है रूम्स के अंदर, जो ग्लास का ये लगाया हुआ है इन्होंने,
एलुमिनियम्स के अपने को मिलते हैं स्लाइडर वगैरह। सो हाइट देखो, अपना फ्लोर में एक जान डाल देती है उसकी हाइट, और हाइट बहुत प्यारी है। बात करूँ मैं वॉल्स पे, कुशनिंग का बिल्डर ने काम किया हुआ है एंड मोल्डिंग्स के साथ बहुत प्यारा काम किया हुआ है। आप हाइट देख रहे हो बिल्डर फ्लोर की, सीलिंग पर आप काम देखो, फैंस वगैरह सभी चीज़ें अपने को मिलने वाली है। एंड रूम्स के साइज़ का तो कहना क्या, बहुत बड़े रूम मिलने वाले हैं। अब चलते हैं इसके बाथरूम नंबर वन की तरफ, या कि इसका बाथरूम से आप साइज़ देखो। कॉलर के अपने को मिलने वाली फिटिंग, ये वेट एरिया बिल्कुल अलग दिया हुआ है जिसमें पार्टीशन बिल्डर ने किया हुआ है। इसके साथ ये आ गया इसकी कवर्स का आप साइज देखो, कितनी बड़ी अपने को कवर मिलने वाली है। 1, 2, 3, 4 सेक्शन कवर मिलने वाली है एंड WC वगैरह सारी चीज़ें अपने को मिलने वाली है। कॉलर की तो फिटिंग जो की हुई है ना बिल्डर ने, बहुत प्यारा किया हुआ है काम। AC, गीजर सब काम अपने को बिल्डर करा के दे रहा है, सारी चीज़ ला के दे रहा है। सेंडर्स को अपने देने वाला है स्विच, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके पीछे वाले तीनों बेडरूम्स की तरफ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन वॉशरूम है जो कनेक्ट है इस वाले बेडरूम के साथ, या कि हम बेडरूम नंबर 2 की तरफ। ये अपना एक छोटा बेडरूम है जो कि स्टडी टाइप में भी दिया हुआ है, बट इसके साथ क्या है कि अपने को अटैच वॉशरूम मिल जाता है। डोर सेट की अपने को प्रॉपर मिलने वाले, यहाँ पे भी लॉक, कॉलर की फिटिंग मिलने वाली है। एंड साइज आप देखो बाथरूम्स में टाइल कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, और क्वालिटी आप देखो कितनी प्यारी अपने को मिलने वाली है। प्रॉपर यहाँ पे अपने को मिलने वाला है पार्टीशन, वेट एरिया बहुत अलग दिया हुआ है। एंड जो मिलने वाली अपने को फिटिंग, कॉलर की फिटिंग दे रहा है बिल्डर, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत प्यारी चीज़ है इटालियन मार्बल इस बेडरूम के साथ भी अपने को प्रॉपर मिलता है। वॉल्स भी बहुत प्यारा काम है, ऊपर जो सीलिंग पे काम किया हुआ है ना वो भी बहुत प्यारा है। ये हमने बेडरूम देखा अपना बेडरूम नंबर 2, अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 के अंदर। या बेडरूम के साइज़ देखो, अपने को प्रॉपर इटालियन मार्बल मिलने वाले हैं। वॉल्स पे बहुत प्यारा काम है एंड सीलिंग का तो कहना ही क्या, अपने को बहुत बेहतरीन काम मिलता है बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। बहुत ये बेस्ट बिल्डर फ्लोर है। एंड हाइट जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हाइट बहुत अच्छी थी हमारे फ्लोर के अंदर। डोर को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि बाहर काम चल रहा है, थोड़ा शोर है। सीलिंग पे आप काम देखो कितना प्यारा अपने को काम मिलने वाला है। रूम्स के साइज़ बहुत प्यारे हैं, इटालियन मार्बल मिलने वाला है, AC अपने को मिलने वाला है हर एक रूम के साथ। बाथरूम में अपने को गीजर वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली है। एंड वार्डरोब्स की कहीं कोई कमी नहीं है, यहाँ पे भी 4 सेक्शन वार्डरोब अपने को मिलने वाले हैं। एक काम आप देखो, कॉलर की फिटिंग देते हैं बिल्डर। एंड बाथरूम के साइज़ आप देखो, पार्टीशन आपको प्रॉपर दे रहे हैं। एंड जो चीज़ बनाई हुई है ना बिल्डर ने, बहुत A1 क्वालिटी के अंदर बहुत बेस्ट बिल्डर फ्लोर है। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती। अगेन वही कॉलर के अपने को मिलने वाली फिटिंग एंड वेट एरिया बहुत अलग दिया हुआ है। एंड सारी चीज़ें ना बहुत जेन्युइन क्वालिटी की दी हुई है। हमने इसका देख लिया ये बैक वाला बेडरूम जो कि है बेडरूम नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 4 की तरफ। उससे पहले हम बालकनी देखते हैं अपने पिछली डेक्कन के अपने को मिलने वाले AC, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, बहुत बड़ी अपने को बालकनी मिलने वाली है। एंड जैसा कि गीजर वगैरह सभी बिल्डर ला के दे रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर अपने को मिलने वाली है। फिटिंग पीछे वाले दोनों बेडरूम्स को हम बालकनी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आगे अपने बेडरूम नंबर 4 के अंदर, यहाँ पे भी प्रॉपर अपने को मिलने वाली इटालियन मार्बल, AC वगैरह सारी चीज़ें बिल्डर ला के दे रहे हैं। वॉल्स पे आप टेक्सचर्स देखो, कितने प्यारे टेक्सचर्स के अंदर वॉल पे काम किया हुआ है। सीलिंग का काम तो कहना क्या, बहुत प्यारा काम सीलिंग का किया हुआ है। इसके बाद कवर्स आप देखो, कवर्स का आप साइज देखो, 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शंस वार्डरोब मिलती है अपने को। AC वगैरह सारी चीज़ें बिल्डर लगा के दे रहा है। डेक्कन के अपने को AC मिलने वाले हैं। एंड ये ड्रेसर दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर, बहुत बड़ा ड्रेसर का एरिया दिया हुआ है। साइज़ बहुत प्यारा है, क्वालिटी बहुत एवन है। और रूम साइज़ के साथ आप ड्रेसिंग का साइज़ देखो, आप मिरर का साइज़ देखो, या अगर हम इसके बाथरूम के अंदर, बाथरूम में आप कलर कॉम्बिनेशन देखो, टाइल्स देखो, क्या प्यारी बिल्डर ने यूज़ की हुई है। कॉलर के अपने को मिलने वाली फिटिंग जो कि बिल्डर ने हर जगह मेंटेन की हुई है। फिटिंग और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। बहुत बड़े बेडरूम्स मिलते हैं अपने को। लोकेशन मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल कनेक्ट करता है अपने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को। हाँ जी, तो आपको कैसे लगे बिल्डर फ्लोर? आई होप आपको फ्लोर पसंद आया होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर बहुत बेस्ट बिल्डर फ्लोर आया हुआ है। नीचे आपको दिया हुआ है नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हो, विजिट बुक कर सकते हो। और ऐसी चीज़ें ना बार बार नहीं आती, आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी के अंदर ना बहुत बेस्ट बिल्डर फ्लोर मिलने वाला है। फिटिंग फिक्चर्स की हम बात करें, फिर जो क्वालिटी बिल्डर ने लगाई हुई है ना, तो A1 दी हुई है। नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, विजिट बुक करो। ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती। 2 फ्लोर अभी हमारे पास बचे हुए हैं, तो कॉल करके अपने विजिट जरूर बुक कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी के साथ नेक्स्ट बिल्डर फ्लोर में। तब तक के लिए टेक केयर।